नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। केंद्र सरकार का थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग के रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। हम आपको बता दें कि नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से बिहार को सबसे आखिरी नंबर पर रखा गया है, वो भी स्वास्थ्य सेवाओं में। और ये कहा गया है नीति आयोग के तरफ से कि बिहार में 1,00,000 व्यक्ति पर मात्र 6 बेड उपलब्ध हैं, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि इससे थोड़ी देर पहले भी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको ये बताया कि सुबह सुबह किस तरह से तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दुहाई देते हैं, लेकिन आखिर नीति आयोग का जब रिपोर्ट आ गया उसके बाद बिहार को सबसे आखिरी नंबर पर रखा गया है। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव एक मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधे हैं। क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपके सामने विस्तार से रखते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के शीर्ष थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना बोला है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा है कि ये बिहार के 40 से 39 लोकसभा सांसद हैं और डबल इंजन की सरकार का बिहार को अद्भुत फायदा मिल रहा है। तेजस्वी यादव अब महंगी दवा, कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मची आपाधापी, ब्लैक में कई गुना महंगे बिकती दवाई और इंजेक्शन, बिना पीपी किट NH95 मास्क के कोरोना संकट में काम करने को मजबूर वाले डॉक्टर समेत तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 3 अक्टूबर को डॉक्टरों से बातचीत करने वाले हैं। RGD का कहना है कि कोरोना हो या चमकी बुखार, अस्पताल कर्मी, नर्स और जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन करते नजर आए। विमर्शना यही है कि उस राज्य की ये कहानी है जहां की सरकार लगातार 16 सालों से सुशासन का राग अलाप रही है। राजद की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर ये कहा गया है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग की समस्या हजार है, उनसे जुड़े कर्मियों, डॉक्टर और टेक्नीशियनों की समस्या हजारें, यह सभी समस्या आम नागरिकों को सीधे प्रभावित करती है, इसलिए किसी भी संवेदनशील राजनेता या राजनीतिक दल के लिए आवश्यक यह है कि वह स्वास्थ्य विभाग की हर कमी, नाकामी, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मी और मरीजों को हर समस्याओं को समझे। उसी उद्देश्य से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के डॉक्टरों के साथ विचार विमर्श के लिए 3 अक्टूबर का डेट निर्धारित किया है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, सरकारी अस्पतालों को कैसे सुविधाजनक और तत्पर बनाया जाए, निजी अस्पतालों को किस प्रकार से गरीबी के बीच पहुंचाया जाए और दवाई और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के मूल्यों को किस प्रकार से कम किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो डॉक्टरों से बातचीत करने वाले हैं। तो साफ तौर पर नीति आयोग के रिपोर्ट आने के बाद बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की जो पोल खुली है उस पर अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी 3 अक्टूबर को डॉक्टरों से बातचीत करेंगे और तेजस्वी यादव ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहाँ है। जी हाँ, हम आपको लगातार ये खबर बता रहे हैं, खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।